नमस्कार दोस्तों, अब हम आपके लिए लाए हैं सेलिब्रिटी न्यूज। सोहेल से शादी के बाद ट्रोल हुई हंसिका मोटवानी। ट्रोलर्स ने कहा, बेस्ट फ्रेंड के पति को भी नहीं छोड़ा, कर्मा सब देख रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी बॉयफ्रेंड सोहेल कथूरिया के साथ शादी के बंधन में बंध गई है। शादी से लौटने के बाद हंसिका ने जैसे ही शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की, वैसे ही ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोलर्स का कहना है कि हंसिका ने सोहेल कथूरिया से शादी करके अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया है। दरअसल सोहेल कथूरिया की पहली वाइफ रिंकी बजाज हंसिका की बेस्ट फ्रेंड है। हंसिका के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले सोहेल ने रिंकी को तलाक दे दिया था। सोहेल और रिंकी की शादी 2016 में हुई थी। बुरी तरह ट्रोल हुई हंसिका। हंसिका मोटवानी शादी के फोटो शेयर करते ही उनके कमेंट सेक्शन में ट्रोलर्स की बाढ़ आ गई। हंसिका की फोटोज पर एक ट्रोलर ने लिखा, कर्मा सब देख रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं एक ने लिखा, अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से शादी करने पर आपको बहुत बहुत बधाई, उम्मीद है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड भी आपके साथ वही करे जो आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ किया है। एक ट्रोलर ने लिखा, सोहेल से शादी करके तुमने अपनी दोस्त रिंकी को धोखा दिया है। हंसिका की फोटोज पर एक ने लिखा, कभी भी किसी की लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब वो तुम्हारा नजदीकी हो। पूरा माजरा समझिए। दरअसल हंसिका मोटवानी ने जिस सोहेल कथूरिया से शादी की है, वह उनकी बेस्ट फ्रेंड रिंकी बजाज के एक्स हस्बैंड है। हंसिका की शादी के चंद दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हंसिका सोहेल और रिंकी की शादी अटेंड करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा वो सोहेल और रिंकी की शादी में जमकर डांस करती हुई भी नजर आ रही हैं। 2016 में गोवा में हुई इस डेस्टिनेशन वेडिंग का जो वीडियो सामने आया था, उसमें साफ देखा जा सकता है कि हंसिका सोहेल और रिंकी का रोका सेरेमनी लेकर पूल पार्टी और संगीत सेरेमनी सहित हर इवेंट में नजर आ रही हैं। राजस्थान में हुई रॉयल वेडिंग। हंसिका मोटवानी ने 4 दिसंबर 2022 को सोहेल कथूरिया के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक मुंडोता फोर्ट में शादी की। हंसिका इस दौरान रेड ब्राइडल लहंगे में नजर आई और वहीं सोहेल ऑफ वाइट शेरवानी पहने दिखे। इस रॉयल वेडिंग में काफ़ी सारे मेहमानों ने शिरकत की। हंसिका और सोहेल बॉलीवुड और साउथ के हिट गानों पर डांस करते हुए भी नजर आए। इस दौरान सोहेल ने घुटनों पर बैठकर फिल्मी स्टाइल में हंसिका को रिंग भी पहनाई। हंसिका और सोहेल के दोस्तों और फैमिली ने भी स्टेज पर परफॉर्म किया। साउथ में काफ़ी पॉपुलर हैं हंसिका। हंसिका ने बॉलीवुड करियर की शुरुआत हिमेश रेशमिया के अपोजिट फिल्म आपका सुरूर से की थी। पिछले कुछ सालों में हंसिका साउथ इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन गई थी। साउथ में उन्हें ऑडियंस से खूब प्यार मिला है। हंसिका के फिल्मी करियर की बात करें तो वह जल्द ही तमिल फिल्म राउडी बेबी में नजर आएंगी। बता दें कि हंसिका ने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा शाकालाका बुम बुम जैसे टीवी शोज से एक्ट्रेस ने अपने घर में घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। कोई मिल गया फिल्म में भी हंसिका ने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस काम किया था। तो ये थी सेलिब्रिटी न्यूज़। ऐसी और न्यूज़ लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।